अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आने लगा है। यहां के हेरात शहर में किडनैपिंग के आरोप में एक शख्स की हत्या के बाद उसके शव को क्रेन के सहारे चौराहे पर लटका दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या नई सरकार के वक्त बड़े बड़े दावे करने वाले तालिबान की असलियत सामने आने लगी है। लोगों की भीड़, सड़क पर ट्रैफिक, लेकिन एक ऐसी तस्वीर भी है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। एक शख्स बीच सड़क पर खून से लथपथ क्रेन से टंगा हुआ है और वहां से गुजरने वाले लोग उसे देख रहे हैं। ये तस्वीर अफगानिस्तान के हेरात शहर की है, जहां एक युवक की डेड बॉडी को शहर के चौराहे पर लटका कर रखा गया। लोगों की आजादी और अधिकार छीनने के बाद तालिबान अब लोगों के शवों के साथ भी क्रूरता से पेश आ रहा है। दरअसल तालिबानी पुलिस ने हेरात शहर के मुख्य चौराहे पर किडनैपिंग के आरोप में पहले चार लोगों को दिन दहाड़े गोली मारी और फिर एक युवक के शव को क्रेन के सहारे टांग दिया, जो हवा में घंटों तक झूलता रहा। चौराहे पर क्रेन से लटकाए गए शख्स के गले में एक तख्ती भी लटकी हुई थी, जिसमें पश्तो में क्रूर सजा देने की बात लिखी गई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक डेड बॉडी चौराहे पर क्रेन से लटकी है और वहां मौजूद लोग उसकी तस्वीरें ले रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में तालिबानी झंडा भी है। दरअसल दो दिन पहले ही तालिबान की स्थापना करने वाले संस्थापकों में एक मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने साफ कहा था, तालिबानी राज में किसी घटना के बाद हाथों को काटना और उन्हें फांसी पर लटकाने का नियम खत्म नहीं किया जाएगा। तुराबी ने यह भी कहा कि नई सरकार में भी पहले जैसे शरिया कानून लागू करेंगे। ऐसे में मुल्ला तुराबी के तालिबानी कानूनों को लेकर सामने आए इन बयानों के बाद कहा जा रहा है कि तालिबान जल्द ही अपने पुराने शासन की सजा को लागू कर सकता है, यानी जल्द ही तालिबान बहुत कड़े नियमों वाले शरिया कानून को लागू करने वाला है और अपनी हैवानी अंदाज में पूरी तरह से लौटने की तैयारी में है। आज तक ब्यूरो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।